बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है वन रैंक वन पेंशन के रिगार्डिंग जितने भी हमारे पेंशन भोगी थे उनके लिए यहां पे हुआ इंतजार खत्म और जो पिटारा था वो खुल चुका है तो ओ आर का जो लीगल नोटिस गया था उसके रिगार्डिंग यहां न्यूज़ न्यूजिक निकल के आ गया वन रैंक वन पेंशन पे जितने भी हमारे पेंशन तो पेंशन धारक इंतजार कर रहे थे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से से फिर से एक नया वर्डिक्ट आ गया है और आप सभी को उम्मीद जग गई है हमारे पेंशन भोगी की उम्मीद जगी है यहाँ पे एक पिटारा खुला जहाँ पे पेंशन भोगियों की उम्मीद जगी है तो जानते हैं इस जानकारी को पूरा विस्तार से सबसे पहले सभी पेंशन भोगी अथवा तो पेंशन धारक मेरा राम राम, आप सभी का है। यहां पे एक लीगल नोटिस आ चुका है हमारे पास, उसको देखते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है उससे पहले आप सभी को मैं बता दू कि चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें चलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम सबसे पहले यहाँ पे एक चीज दिखा दें आपको कि आपका यहाँ पे पांच अगस्त 2022 को पांच अगस्त मतलब आज तो अठारह अगस्त हो है लेकिन आपको मैं क्यों बता रहा हूँ पांच अगस्त का क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी वर् डिकल क्या क्या ये ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए आप पांच अगस्त का न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव प्लान टू इशू नोटिस सबसे पहले ये बता दूँ कि हम इस समय हमारे इंडियन एक्सप्रेशन मूवमेंट

और ये तभी किया गया था क्योंकि 16 अगस्त को हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक वर्डिक दिया था एरियर से रिलेटेड कि तीन महीने में हो जाएगा तो ये पांच तारीख का है अब मैं आपको जो न्यूज़ दिखाऊंगा उसमें आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट सूचना है और आप सभी को बता दूं कि अगर आप

तो प्रॉपर्टी टैक्स ना दें क्योंकि यहाँ पे भूतपूर्व -भूत सैनिकों को ये बड़ा मिल रहा है फायदा तो ये सब देखते रहिएगा बीच बीच में आपके लिए बहुत सारी सौगात आती रहती है बधाइयां और चांदी चांदी तो आप लोग देखते रहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज देखते हैं तो वन रैंक वन पेंशन पे सिपाही और मतलब नायक या फिर हवलदार या हवलदार नाय सूबेदार या सूबेदार या सूबेदार मेजर जो भी है जितने भी रैंक है ओआर का ओल्ड रैंक अदर रैंक का ओल्ड रैंक चाहे सिपाही से लेके हमारे मेजर जनरल या फिर नहीं सिपाही से लेके ऑनरी तक जितने भी है सभी का और एक बार-बार एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर ट्रीटमेंट फैक्टर 2.67 रहेगा क्या मैं हमेशा कह दूं कि 6. खारिज हो चुका है 67 खारिज हो चुका है आप सभी को अब जो ट्रीटमेंट फैक्टर रहने वाला है वो ध्यान पूर्वक देखें 2. 5.7 और ये सेंटर गवर्नमेंट की मतलब हमारी केंद्र सरकार ने जिस दिन पटकार मारी पटकार मिली थी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसी दिन इनका एक्सटेंशन भी खारिज हुआ एक्सटेंशन के साथ फ्रीटमेंट भी खारिज हुआ तो आप लोग के लिए ये एक बड़ी न्यूज निकल के आई कि अब ओ का जो फ्रीटमेंट फैक्टर रहने वाला है वो टू रहने वाला है सभी का आप सभी को बता दू कि ऑफिसर्स और जे और जवान हमारे सभी का अब 2.57 रहने वाला है तो कोई भी कंफ्यूजन ना रखें चलिए यहाँ पे एक देख सकते हैं टेबल के माध्यम से कि आपको यहाँ पे ऑन आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग आप लोगों के कुछ एरियस यहाँ पे शो किया गया है वन रैंक वन पेंशन के रिगार्डिंग द रेट ऑफ सर्विस पर्सन ओ आर अंडर ओ आर ओ पी स्कीम यहाँ पे देख सकते हैं आप ओ आर ओ पी स्कीम और ये टेबल आपको काफी बार सोशल मीडिया पे या फिर आपके मीडिया हाउस मीडिया हाउस में या व्हाट्सएप के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है आप सभी से निम्न निवेदन है कि आपको अगर सर्वश्रेष्ठ सटीक और सबसे अच्छी जानकारी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है नीचे लाल का बटन दबा देना है ताकि हमेशा आपको अच्छी न्यूज़ मिल पाए और सबसे इम्पोर्टेंट छोटी छोटी ओ आर की न्यूज़ मिल पाए इसी के साथ आप देख सकते हैं ये टेबल जो है फुल्ली एजम्सन में है तो आप इस पर भरोसा ना करें जय हिंद जय भारत वंदे मातरम